हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है या सितंबर में जिसके फॉर्म निकलने वाले हैं, MTS हो गया या फिर चंडीगढ़ पुलिस हो गया या फिर JNU का एग्ज़ाम है, इन सब के लिए हम मैथ की सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी वीडियो में डिस्कस करेंगे डे बाई डे। तो ये क्लास 1 है, तो इसमें हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि 200 से लेकर 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 से दोनों से क्या होती हैं, विभाज्य यानी कि डिवाइड हो जाएंगी। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन जो 200 एंड 400 दैट आर डिविजिबल बाई 6 एंड 5 बोथ। तो 6 और 5 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जो 6 × 5 किससे 30 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो 6 और 5 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जो 30 से डिविजिबल होते हैं। तो हम ऐसे नंबर देख लेते हैं जो 30 से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। तो वो नंबर 6 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक से लेके 400 तक, यानी कि 1 से लेके 400 तक ऐसे नंबर देख लेते हैं जो 30 से डिविजिबल होते हैं। उसमें से हम माइनस कर देंगे ऐसे नंबर जो 1 से लेके 200 तक 30 से डिविजिबल हो जाते हैं। 200 तक नहीं, हमें 200 से लेके कहाँ तक चाहिए, 400 तक चाहिए। तो हम 199 तक, यानी कि 199 तक देखेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक के नंबर रह जाएंगे, हमारे पास 200 से लेके 400 तक के नंबर जो हैं वो रह जाएंगे। तो 1 से लेके 400 के बीच में आपको कैसे निकालना है, आपने क्या करना है, 400 लिखना है और इसको 30 से डिवाइड करके देख लेना है। तो 31 जा कितना होता है, 30 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 10। ऊपर से क्या आएगी, 0, यहाँ 0 लग जाएगी। और 33 जा कितना होता है, 90 होता है। तो 100 में से 90 के कितना बचेगा, रिमाइंडर 10 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 13। तो ये रिमाइंडर इसका क्वेश्चन कितना है, 13, यानी कि भागफल कितना है, 13 है। तो यहाँ पर 13 नंबर ऐसे हैं 1 से लेके 400 के बीच में जो 30 से डिविजिबल होते हैं। उसके बाद करते हैं 199 तक की। तो 199 को यहाँ लिखेंगे और इसको 30 से डिवाइड करेंगे। तो ये जाएगा आपके पास 13 छक्के 180 होता है। और 13 सत्ते कितना होता है, 200, तो बड़ा हो जाएगा। तो 13 छक्के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कि 180। और कितना शेषफल बचेगा आपके पास, 19 बचेगा। ये डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ कितना बचा, 6 बचा। तो माइनस कितना कर देंगे, 6, और 13 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो कितने नंबर ऐसे हैं 200 से लेके 400 के बीच में जो 30 से डिविजिबल हो जाते हैं, वो है 7 नंबर। तो सीधा डायरेक्ट आपको निकालना है, आपको डिवाइड करके देखना है और जो इनका डिफरेंस आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 13 में से 6 का कितना हो जाएगा, 7। तो 7 नंबर ऐसे हैं जो किससे डिविजिबल हो जाते हैं, 30 से डिविजिबल हो जाते हैं। 30 से डिविजिबल का मतलब 6 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि जब एन को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 आता है। तो कह रहा है कि शेषफल क्या होगा जब एन को 9 से विभाजित किया जाएगा। कह रहा है कि व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 36 देन रिमाइंडर विल बी 12, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द एन इज डिवाइडेड बाय 9। तो इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट कैसे करना है, आपने पहले ये देखना है कि जब किसी नंबर को एन से डिवाइड, जब किसी नंबर एन को 36 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 12 बचा। तो जो रिमाइंडर बचा है उसको आपने अंदर की तरफ लिख लेना है। फिर कह रहा है कि उसी नंबर को शेषफल क्या होगा जब एन को 9 से डिवाइड किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर पहले बचा था और बाद में जिस नंबर से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 9 × 1 = 9 होता है और रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो शेषफल कितना बचने वाला है, 3 बचने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जो पहले आपका रिमाइंडर बचा हुआ है 12, उसको बाद में जिस नंबर से डिवाइड करने से बोल रहा है उससे डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर देख लेंगे कितना है। तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 3 जो है वो रिमाइंडर बचेगा जब किसी नंबर को मैं 9 से डिवाइड करूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कह रहा है कि 1 से लेके 100 तक 7 के 13 गुणांक होते हैं, या फिर देर आर 13 मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम 1 to 100। तो कह रहा है कि 1 से लेके 100 तक कितने गुणांक कितने होते हैं, 13, 7 के कितने मल्टीपल होते हैं, 13 मल्टीपल होते हैं। तो देख लेते हैं, 13 मल्टीपल कहने का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे नंबर जो होंगे 7 से डिवाइड होंगे। तो हम क्या करते हैं, 100 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 एकम में 7 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ऊपर से कितना आएगा, 0, और 7 चौके कितना होता है, 7 × 4 = 28 होता है। तो यानी कि 13 मल्टीपल नहीं होते, कितने मल्टीपल होते हैं, 14 मल्टीपल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। आगे आते हैं, देर आर 5 मल्टीपल ऑफ 19। 19 के कह रहा है 5 मल्टीपल होते हैं, कितने, 1 से लेके 100 तक। तो हम 1 से लेके 100 तक में यानी कि 100 को हम लिखेंगे और इसको 19 से भाग करके देख लेते हैं। 19 पंजे कितना होता है, 9 × 5 = 19, 5 × 95 होता है। रिमाइंडर कितना बचा, 5, आगे डिवाइड नहीं होगा। तो कितने शेषफल निकले हमारे, कितने मल्टीपल निकले, 5। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि कथन जो सेकंड लिखा गया है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2। पहला वाला गलत है क्योंकि 7 के कितने मल्टीपल होते हैं, 13 नहीं होते, 14 मल्टीपल होते हैं। इसी तरह से 5 से कितने मल्टीपल होते हैं, कितने गुणांक होते हैं, तो 5 होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि 9, 11
9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, इसी तरह से फिर 21 के स्क्वायर तक का मान आपको बताना है। कहाँ के 9 का स्क्वायर जमा 11 का स्क्वायर जमा इस तरह से आगे लिखा होगा 13 का स्क्वायर प्लस आगे ऐसे ऐसे करते 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 कहाँ तक 21 के स्क्वायर तक ऐसे करके लिखा, आपको बताना है कि इनका स्क्वायर का सम क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, एन विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, एड एन ऑड नंबर के स्क्वायर का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2n, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n, माफ कीजिएगा 2n नहीं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n, डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। तो n फिर 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना 3, ये होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर का। तो एन की वैल्यू कितनी होगी वो हम देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम एक से लेके 21 तक के जितने भी ऑड नंबर हैं उसमें से के स्क्वायर में से माइनस कर दें, एक से लेके कहाँ तक के स्क्वायर, एक से लेके 8 तक के स्क्वायर का अगर हम माइनस कर दें जितने भी ऑड नंबर हैं, तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक का रह जाएगा, 9 से लेके 21 तक के जितने भी ऑड नंबर हैं विषम संख्या है उनका रह जाएगा। तो एक से लेके 21 तक कितने ऑड नंबर होते हैं अगर हम देखें, तो एक से लेके 21 तक कितने ऑड नंबर होते हैं, एक से लेके 21 तक 11 ऑड नंबर होते हैं, 11 विषम संख्याएं होती हैं। जैसे एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से करते करते एक से लेके 21 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, एक से लेके 21 तक 11 विषम संख्याएं होता है। तो एन की जगह हम क्या रख देंगे, 11, तो यहाँ 11 आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर 11 रखेंगे तो 2 गुणा में 11 कितना होता है 22, 22 प्लस 1 कितना हो गया 23 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू में वो 11 कितना हो 22, 22 माइनस 1 कितना होता है 21 डिवाइडेड बाय कितना 3, इसमें से माइनस कर देंगे एक से लेके 8 तक जितने भी ऑड नंबर हैं, एक से लेके 8 तक कितने ऑड नंबर आते हैं 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, कटिंग कर देंगे 3 7 से 21 होता है और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 11 इंटू में 23 इंटू में 7, तो जब आप 11 इंटू में 23 इंटू में 7 करोगे तो आपके पास आएगा 1771 आएगा, माइनस में 4 इंटू 3 इंटू में 7 करोगे यानी कि 12 इंटू में 7 करोगे तो आपके पास आएगा 84, और इसमें से अगर आप माइनस करोगे कितना 1771 तो आपके पास आएगा 1687, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने पहले क्या करा, एक से लेकर 21 तक जितने भी ऑड नंबर होते हैं, कितने ऑड नंबर होते हैं 11 ऑड नंबर होते हैं, और एक से लेकर 8 तक कितने ऑड नंबर होते हैं 4, तो इन सब का हमने फॉर्मूला लगाया और माइनस करा, डिफरेंस करा तो कितना आया 1687 इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द फाइव डिजिट स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो डिवाइड हो जाए किससे, 476 से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। तो 5 अंकों की होनी चाहिए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए जो 476 से क्या हो जाए डिवाइड। तो हमें पता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो कितनी होती है 1000 10000 होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है आपका 10000 होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 476 से डिवाइड कर लेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर ना बचे। तो 476 अगर मैं इंटू 2 करता हूँ, ठीक है ना, 476 अगर इंटू 2 करते हैं तो 952 आता है, और 476 इंटू 3 करते हैं तो 1000 इससे बड़ा आ जाएगा, सॉरी 1428 आता है, तो 1000 से बड़ा आ गया तो 2 पे काटेंगे हम, तो 476 इंटू 2 करते हैं तो कितना आएगा 952 यानी कि 952 आएगा, और इसमें से 952 में से अगर हम 1000 में से 952 गए तो कितना बचेगा 48, ऊपर से क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी, फिर 476 एकम कितना होगा 476 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया। आपको क्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। अब एक चीज बताओ कि अगर मैं 10000 यहाँ पर लिखा है, 10000 से अगर मैं एक नंबर भी घटा दूंगा तो मेरे पास कितने डिजिट की नंबर आ जाएगा, 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, 4 डिजिट का मेरे को चाहिए ही नहीं, कितने डिजिट का चाहिए 5 5 डिजिट का चाहिए, तो हमें इस 10000 से आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जाने के लिए क्या करेंगे, हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर आए इनका डिफरेंस कर लेंगे, यानी कि 476 माइनस में 4 करेंगे तो 472 आ जाएगा, और 472 को हम ऐड कर देंगे किसमें 10000, तो 472 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 10472, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 476 पे डिवाइड है, वो कौन सी है 10472 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक भाजक भागफल का 25 गुना है, यानी कि अ डिवीजर इज 25 टाइम्स ऑफ द क्वोशेंट। तो डिवीजर जो है यानी कि जो भाजक है
सबसे पहले कह रहा है कि जो डिवीजर है वो 25 टाइम्स है किसका, क्वेश्चन का। फिर कह रहा है कि 5 टाइम्स है किसका, रिमाइंडर का। जो डिवीजर है, डिवीजर ही, डिवीजर जो है वो 5 टाइम्स है किसका, रिमाइंडर का। और कह रहा है कि इफ द क्वेश्चन इज 16, अगर क्वेश्चन कितना है 16 है तो डिविडेंड आपको बताना है। तो क्वेश्चन की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, तो हम पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, यानी कि भागफल की जो वैल्यू है वो हमें कितनी, 16 दे रखी है। तो यहाँ से डिवीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 25 गुणा में कितना हो जाएगा 16, और 25 इंटू में 16 कितना होता है, तो 25 इंटू में अगर हम 16 करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 400। तो 25 इंटू में 16 कितना होता है, 400। तो डिवीजर कितना हो गया, 400 हो गया। और कह रहा है कि जो डिवीजर है वो 5 गुणा है किसका, रिमाइंडर का। और डिवीजर कितना निकाला हमने, 400 निकाला। तो ये 5 मल्टीप्लाई है, 5 टाइम्स है किसका, रिमाइंडर का। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 400 डिवाइड बाय 5। तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा कितना, 80। रिमाइंडर आ गया आपके पास कितना, 80 आ गया। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, आपको पता होना चाहिए कि जो डिवीजर होता है, डिवीजर क्या होता है, डिवीजर होता है आपके पास, जो आपके डिवीजर होता है वो होता है, सॉरी डिविडेंड जो होता है, माफ कीजिएगा, डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर इंटू में क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिवीजर आपने कितना निकाला, डिवीजर आपने निकाला 400, क्वोशेंट आपके पास 16 दे रखा है, और रिमाइंडर आपने कितना निकाला, 80। तो ये हो जाएगा 6400, और 6400 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 6480 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो डिवीजर, जो आपका डिविडेंड होता है वो कितना है, 6480 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास जो है पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि किसी दी गई संख्या को 899 से भाग देने पर 63 जो है शेषफल भेजता है। इफ द सेम नंबर, माफ कीजिएगा नीचे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अभी हमने आपको बताया था कि जिससे पहले जो शेषफल बचता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, 63 हमने यहाँ लिख लिया। फिर हमने क्या करा, जिससे भाग करने के लिए बोल रहा है उससे भाग कर 29 से डिवाइड कर देंगे। तो 29 इंटू में अगर मैं 4 करता हूँ, 20 सॉरी 29 इंटू 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 58 आ जाएगा। और 63 में से 58 लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि अगर 899 को, ठीक है ना, 899 से भाग देते हैं तो 63 शेषफल बचता है। तो जो शेषफल पहले बचा है, रिमाइंडर जो पहले बचा है, उसके बाद जिस नंबर से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 13 की पावर 123 है, इसका आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 13 की पावर कितनी है, 123 है, और यूनिट डिजिट आपको उसके बताना है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे एक नंबर निकल के आएगा, उस नंबर का लास्ट का डिजिट क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जो पावर दे रखी है, जो भी पावर होती है उसको आप क्या करते हो, 4 से डिवाइड कर लेते हो। तो पावर कितनी दे रखी है, 123, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के दो नंबर आप डिवाइड कर लो। तो 23 का 23 हम यहाँ लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो यह आ जाएगा 4 5 का कितना होता है, 20। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो जो भी रिमाइंडर बचता है वो आपने क्या करना है, और इस 13 का जो यूनिट डिजिट है, 13 की जो इकाई का अंक है वो कितना है, 3 है। तो हमने क्या करा, 3 की पावर में आप क्या कर ले जाओगे, रिमाइंडर ले जाओगे, जो भी आपके पास रिमाइंडर बचा है। तो 3 की पावर में रिमाइंडर कितना बचा है, 3 की पावर में कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। और 3 को हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 9 होती है, यानी कि 3 9 27, और 27 का यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो किसी नंबर का 13 की पावर 123 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ आया वो क्वेश्चन को वापस से रिवाइंड करके आराम से देख सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि 22 की पावर 471 की आपको यूनिट डिजिट बताना है। फिर से वही चीज, पावर कितनी है, 479 है। तो पावर को आप क्या करोगे, और 4 से डिवाइड करोगे, और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि आखिरी के दो नंबर आप 4 से डिवाइड कर लो। तो 4 1 कितना हुआ, 4 हुआ। रिमाइंडर कितना बचा, 3। ऊपर से क्या आएगा, 1। फिर 4 7 से कितना हो जाएगा, 28। रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो रिमाइंडर जो बचता है 3, वो क्या चलेगा, इसके इकाई के यूनिट डिजिट के लास्ट में चला जाएगा। तो इसका जो 22 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 2, और इसका पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 2 4, 4 2 कितना हुआ, 8 हुआ। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, यूनिट डिजिट कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट द सम बिकम्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23। कह रहा है कि 1056 में कम से कम कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल जो है वो 23 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 1056 को 23 से डिवाइड कर लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो 23 को जब हम 100 इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे को पता है कि 23 इंटू 2 कितना होता है, 46 होता है। 23 इंटू 3 करेंगे तो 69 होता है, और 23 इंटू में
अगर हम 4 करते हैं तो 92 होता है, और 23 इंटू में अगर मैं 5 करता हूँ तो 115 होता है, बड़ा हो जाएगा। तो 23 इंटू में 4 करेंगे, 23 इंटू में 4 कितना होता है, 92, 92 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 13, ऊपर से कितना आ जाएगा 6। फिर 23 इंटू 4 115 हो, 23 इंटू 5 115 होता है, 23 इंटू में अगर मैं 6 करता हूँ तो 138 होता है, बड़ा हो जाएगा। तो 23 इंटू में 5 करेंगे, 115 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 21 बचेगा। आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का आप डिफरेंस करोगे। तो 23 में से 21 को माइनस करोगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। तो 1056 में आप क्या करोगे, 2 को ऐड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 1058 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी, एक कितना ऐड किया आपने, 2 ऐड किया, तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो क्वेश्चन में नंबर सिस्टम के इस पार्ट में जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एमटी चंडीगढ़, चंडीगढ़ पुलिस या फिर जेएनयू के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही साथ ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इस इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे इस पेज पर जुड़ सकते हैं और वैदिक मैथ की बेहतरीन ट्रिक्स को जान सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और बेटर और अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।